हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शेफ अमित, आपका किचन पार्टनर। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ ऑमलेट। तो उसके लिए मैंने क्या क्या लिया वो आपको बताता हूँ मैं। तो मैंने लिया हुआ है बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर और बारीक कटी हुई चॉप की हुई हरी मिर्च और चॉप धनिया लिया हुआ है, दो अंडे लिए हैं। तो चलिए बनाते हैं, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम साइड में करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अंडे को तोड़ के डाल लेंगे इसके अंदर। तो मैं ऐसे भी तोड़ के डाल दे सकता हूँ, तो नहीं तो मैं इसका भी यूज़ करके तोड़ के डालता हूँ, ठीक है। तो पहले हम अंडे को फोड़ेंगे। तो हमने अंडे को बेक किया, अंडे को ब्रेक कर लिया। अब हम इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। फिर हम इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसके अंदर बारीक कटी हुई जो हमने टमाटर था चॉप किया हुआ, वो ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, नमक हम इतना ऐड करेंगे, आधा चम्मच से थोड़ा कम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इन सबको अच्छे से अंडे के साथ इसको मिला लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको अब पहले हम क्या करेंगे, नॉन स्टिक पैन लेंगे, इसको थोड़ा गर्म होने के लिए रखेंगे। अभी फ्राई पैन ये गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल, ठीक है। जब हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया, हमने इसको मिला लिया अच्छे से। अभी क्या है, ये भी गर्म हो रहा है, ठीक है। अभी गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अंडा मिलाया हुआ था वेजिटेबल के साथ, अब हम इसको इसके ऊपर डालेंगे। याद रहे, जो आपकी जो गैस की फ्लेम रहेगी वो एकदम कम रहेगी, ठीक है। हम अच्छे से इसको चारों तरफ मिला लेते हैं। ऑमलेट को जब आप बनाएंगे तो एकदम स्लो फ्लेम पे आपको उसको पकाना है। इससे क्या होगा, आपका जो ऑमलेट है वो जलेगा नहीं, जो नीचे से जल जाता कई बार वो जलेगा नहीं, और आपको एकदम से पफी बनेगा ऑमलेट, एकदम पफी बनेगा। तो हमेशा आप याद रखना, कम फ्लेम पे आपको बनाना है, एकदम लो फ्लेम करके बनाना है। तो अभी हमारा ऑमलेट अभी जो है पक रहा है, ठीक है। तो उसको आप 2 मिनट के लिए कम फ्लेम पे पकाना, ठीक है। तो अभी ये पक रहा है, अभी इसको 2 मिनट के बाद फिर मैं इसको पलटूंगा। बीच बीच में आप इसको साइड से इसको ऐसे करके इसको ऐसे साइड साइड से इसको छोड़ा देना, इससे क्या होगा आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा इसमें इसको पलटने में ऐसे करके। तो आप बीच में इसको, आप बीच में से ऐसे इसको आप चेक भी करते रहना, ठीक है। तो अभी 2 मिनट हो चुके हैं, ये अभी नीचे से पक चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इसको ऐसे सेम पकाएंगे, तो ठीक है। तो अभी हम इसको पलटते हैं, क्योंकि अभी नीचे से पक चुका है। ठीक है,
देख रहे हैं ना एकदम अच्छे से पक चुका है नीचे से। अब हम सेम मेथड से इसको दूसरी साइड से भी ऐसे ही पकाएंगे इसको। तो 2 मिनट इसको भी दूसरी तरफ से पकाना है। देखिए अब 2 मिनट तक इसको ऐसे पकाना है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम आप ऐसे करेंगे तो आपका जो ऑमलेट एकदम पफी बनेगा और आपका बिल्कुल भी नहीं जलेगा ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये सेम मेथड आप ऐसे ट्राई करना। अभी 2 मिनट हो चुके हैं, अभी हम देखेंगे कि दूसरी साइड से पका है या नहीं पका है। तो हम इसको थोड़ा उठा के ऐसे आपको दिखाने के लिए करते हैं। देखिए दूसरी साइड से भी पक चुका है। अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे इसकी। ठीक है अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे और हमने इसको ऐसे निकाला। अभी हमारा ऑमलेट जो है एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। देखिए इसकी थोड़ी हम धनिए से जो हमने बारीक कटी हुई धनिया ली थी थोड़ी इसकी हम गार्निशिंग कर देंगे। तो देखिए हमारा अंडा एकदम जो हमने ऑमलेट बनाया था बनके एकदम रेडी है। तो आपको कैसी लगी रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है ऐसी ऑमलेट बनाने में तो उनको आप आगे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए है जय हिंद जय भारत।